देखो, एक क्वेश्चन में बोल रहा था, ये तो ठीक है, एलिवेटर के अंदर रखा हुआ है विथ एन एक्सेलरेशन, एलिवेटर ऊपर जा रहा है, इंटायर सिस्टम द प्रीवियस क्वेश्चन इज केप्ट इनसाइड एलिवेटर विच इज कमिंग डाउन, ये नीचे आ रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ए, और ए जो है वो जी से कम है, ठीक है, तो रिपीट पार्ट ए एंड बी, तो ए और बी पार्ट को रिपीट करना है। ए पार्ट में क्या बोला था हम लोग को? फ्री बॉडी डायग्राम विल ऑल्सो चेंज तो हाँ, फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ा सा चेंज होगा, हॉरिजेंटल वाला में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर वाला में थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि अगर मान लो कि ए एक्सीलरेशन से नीचे की ओर आ रहा है तो इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा ए में नीचे की ओर, ऊपर वाला जो है इस पर हम लोग का नॉर्मल जो फोर्स लग रहा था वो तो R1 था, ठीक है, मतलब इस पर रखा हुआ है तो ये नॉर्मल फोर्स ऊपर लगाएगा, नीचे एक लग रहा था MG, ठीक है, और इसमें क्या था, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा था, और इधर हम लोग का लग रहा था फोर्स F, और इधर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था, और एक तो T भी इधर ही लग रहा था, टेंशन फोर्स। तो इसमें हम लोग एक चीज़ लिख सकते हैं, नीचे एक्सेलरेशन ए है ना, तो इसका मतलब एम जी बड़ा होगा, एम जी माइनस आर बराबर एम इंटू ए, एक तो इक्वेशन बना सकते हैं। और इसके अलावा ये मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में लगाए हैं। अब इस पर हम लोग फोर्स कौन कौन से लगाएंगे, जो बड़ा वाला ब्लॉक है तो इस पर हम लोग का एक तो हम लोग का कैपिटल एम है ना, कैपिटल एम जी तो नीचे लगेगा ही, और नॉर्मल रिएक्शन एक तो लगेगा एन अर्थ वाला, और एक तो ऊपर आर लगाया है, इस पर आर ऊपर लगा है तो ऊपर वाला भी नीचे इस पर आर लगाएगा, ठीक है, और इसका भी एक्सेलरेशन ए है नीचे की ओर, तो इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एम जी प्लस आर, ये दोनों नीचे की ओर हो गया, माइनस एन इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए, ये दो इक्वेशन बनेगा। तो हम लोगों को निकालना है एफ का वैल्यू, एफ पर तो कहीं पर कुछ असर नहीं पड़ेगा हमको लगता है, कि एफ तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना, एफ के लिए तो हम लोग वही करेंगे, एफ माइनस टी माइनस एफ इज इक्वल टू 0। सर, कैन यू एक्सप्लेन सी क्वेश्चन? इसमें जो फोर्स लग रहा है एफ इधर लग रहा है, या फिर ऐसे करो ना, एफ बराबर टी प्लस एफ, एफ इधर कैपिटल एफ, अब पीछे बैक साइड में स्मॉल एफ और टी, ठीक है, अच्छा, ओके। और इसमें इधर लग रहा था एक फोर्स टेंशन फोर्स टी, और फ्रिक्शनल फोर्स एफ इधर लगेगा, जी दो ही चीज फोर्स ना, आर तो कोई लग नहीं रहा है, तो हम लोग टी बराबर भी एफ कर सकते हैं, तो एफ प्लस एफ बराबर टू एफ इज इक्वल टू 2F, F बराबर क्या हो जाएगा, म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स ऊपर वाला क्या लग रहा है R, अब R का वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे, 2 म्यू इंटू R, यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो R हो जाएगा एम ए माइनस एम जी, और हम लोग आर निकाल रहे हैं ना, तो एम ए माइनस एम जी प्लस एन ना, और फिर एन का वैल्यू फिर कहाँ से लेंगे, अगर अच्छा एक तो यहाँ पर ए वाला भी इक्वेशन था, तो यहाँ से भी आर का वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि ए वाला लेंगे तो फिर एन का वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे, ऊपर से आर का वैल्यू अगर लेंगे तो एम जी माइनस एम ए होगा, तो ए हो गया 2 म्यू एम जी माइनस ए, देखो तो है इतना आंसर Yes, so it is only 2 mu m small m g minus. है ना। So, but can you explain from the this one f equal to t plus frictional f you have written as a vector? ए वाला क्या, हाँ, yes, after this. ए वाला हम लोग कहाँ से लिए थे, एफ बराबर टी प्लस एफ, ए ऊपर वाला में, इधर दो फोर्स लग रहा है एफ और टी, इधर एफ, और एफ पूरा मिला कर इक्विलिब्रियम में है ना, बॉडी इधर भाग रहा है
ना इधर भाग रहा है, ठीक है, इसका मतलब कि दोनों फोर्स एकदम इक्वल है। तो हम लोग कर दिए एफ लेफ्ट साइड बराबर टी प्लस एफ राइट साइड, और फिर टी बराबर एफ हम लोग को कहाँ से मिला था, इसके इक्वेशन से मिला था टी बराबर एफ। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे ना तो ये हम लोग को दे रहा है, और कहीं पर कन्फ्यूजन, यहाँ पर टी बराबर एफ हो गया ना, टू एफ टू म्यू इंटू आर, और फिर आर हम अच्छा, लोग, सो दैट आर वैल्यू तो हाँ आर नॉर्मल म्यू बराबर क्या होता है, एफ फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, एमजी। एम जी हाँ नहीं नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादातर जगह पर एम जी ही होता है, लेकिन कहीं कहीं पर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। अब नॉर्मल रिएक्शन हम लोग का जो था ना, यहाँ पर फर्स्ट बॉडी के बीच, फ्रिक्शन तो फर्स्ट बॉडी के बीच ही है ना, इस पर नॉर्मल रिएक्शन आर था, देखो हम लोग आर कंसिडर किए थे, इसलिए हम आर लिए, ए वाला एन नहीं लिए, क्योंकि ए एन जो है ना ये फर्स और इस बॉडी के बीच है, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स है इन दोनों के बीच में। अच्छा हाँ एन हम लोग तब लेते हैं ना जब फ्रिक्शन यहाँ पर होता। इसको नोट करो क्या, मैथ कर पाओगे क्या हर्ष, 8 से 9 1 घंटा अभी इस क्लास के बाद नहीं सर, नहीं, ज़्यादा हो जाएगा आठ ना। से सर फिर एक्चुअली मैं कर तो लूँ, लेकिन मैंने आपको जैसा बता रखा है मैं तो सर भी 10th का भी सिलेबस कर ही रहा हूँ ना, तो अच्छा, जैसे अभी आज के लिए सिर्फ बोल रहे हैं रेगुलर बेसिस के लिए। अच्छा ना ना हम सिर्फ आज फ्री हैं, 8 से 10 आज हम आज फ्री हैं, सर आज तो नहीं हो पाएगा, मैंने वही मैं बोल क्योंकि रहा था संडे को मतलब भी उस तो तुम टाइम नहीं किया क्लास, संडे को तो नहीं किया, इस संडे आपने लिंक वगैरह का मतलब मैं ज्वाइन तो किया था लेकिन आपने लिया ही नहीं मेरे को। ज्वाइन किया था। हाँ मैं तो ज्वाइन किया था, नहीं लिया, फिर मेरे को लगा संडे है और फिर मुझे भी बाहर जाना था, वही मुझे बोलना था कि मैं 1.5 घंटे क्लास कर अच्छा पाऊंगा, मुझे ओ बाहर जाना है, तो मैं ज्वाइन तो किया ही था और आपने अच्छा लिया ही अच्छा नहीं। हम देखे नहीं। सर आफ्टर यू रोट दिस एम जी प्लस आर माइनस एम इक्वल टू एम एक्स, देन व्हाट यू डिड ए यहाँ तक आ नेक्स्ट गया, स्टेप? टू म्यू एम इंटू जी माइनस ए। नहीं, सर हाँ दैट वन सेकेंड इक्वेशन होगी, एम जी प्लस आर माइनस एन इक्वल टू एम एन। हाँ इसके हाँ बाद सर इसका तो यूज यस नहीं किए ना हम लोग, इसका यूज नहीं किए, नहीं सर वी तो इसका यूज ही नहीं किए हम नहीं। लोग, इसका यूज किए, सेकेंड वाला का यूज नहीं किए, क्योंकि एन का वैल्यू फिर हम लोग को पता नहीं था, तो एन अननोन एक रह जाता हम लोग के इक्वेशन में, फाइनल जो आंसर आता है ना उसमें कोई अननोन नहीं रहना चाहिए। सर तो दिस एफ इक्वल टू टी प्लस एफ सो दैट वन ना फर्स्ट वाला, क्या बोल रहे हो, सर दिस एफ इक्वल टू टी प्लस फ्रिक्शन एफ ओवर टेन ना जस्ट फ्रॉम स्मॉल एम, टी प्लस एफ सर ये स्मॉल एम का है ना। स्मॉल एम, हाँ ये सारा स्मॉल एम का, ये जो फोर्स एफ लग रहा था ना, हाँ स्मॉल एम पर ही लग रहा था। इन दिस लार्जर मास सर वाई फ्रिक्शन यू शोन देयर आल्सो आई मीन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। नीचे वाला पर, हाँ हाँ देखो जब हम लोग कोई दो बॉडी लेते हैं ना, तो अगर तुम इस पर इधर खींच रहे हो ना इसको, तो नीचे वाला बॉडी जो होगा ना इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा इधर, वो जाने नहीं देगा इसको आगे, ठीक है ना, और जब नीचे वाला बॉडी ऊपर वाला पर इधर फोर्स लगा रहा है, तो उसके रिएक्शन में ऊपर वाला भी नीचे वाला पर इधर फोर्स लगाएगा, ठीक है, अच्छा रिएक्शन फोर्स वो होता है, तो जब भी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ना तो दोनों बॉडी पर लगेगा, अगर दो बॉडी रखा हुआ है तो। सपोज द हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड इज डबल ऑफ दैट ऑफ फाउंड इन पार्ट ए, मतलब इस फोर्स को डबल कर देना है, तो बोल रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, तो अब हम लोग का जो फोर्स होगा एफ बराबर 4 इंटू म्यू एम जी माइनस ए होगा, तो अब हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है, तो अब अगर फोर्स इधर डबल लगा रहा है तो इसमें ऊपर वाला बॉडी में एक्सेलरेशन इधर आ जाएगा, और ऊपर वाला जो है थोड़ा सा चेंज होगा इक्वेशन, ऊपर वाला इक्वेशन हम लोग ए वाला लिखे थे, एम जी माइनस आर, नहीं ये वाला नहीं है, ए वाला ये भी दूसरा का है, तो दैट विल बी क्वेश्चन कहाँ पर लिखे थे, ए वाला लिखे थे ना, ये हम लोग का था इक्वेशन, तो इसमें थोड़ा सा कुछ कुछ चेंज होगा, क्या चेंज होगा, अब हम लोग का एफ जो है ज़्यादा हो गया, तो एफ
माइनस टी माइनस एफ इज इक्वल टू एम इंटू एड एफ मान लेते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। एफ हम लोग का कहाँ पर क्या दिक्कत हुआ, ए डैश। हाँ, क्योंकि अब इसमें एक एक्सेलरेशन आ गया ना, तो ज़्यादा फोर्स माइनस कम फोर्स बराबर नेट फोर्स हो गया, तो नेट फोर्स बराबर एम ए। अब ए ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम लोग एक नया कॉन्स्टेंट ए डैश एज्यूम कर लेते हैं। तो ए अब हम लोग का दूसरा क्वेश्चन का पहला इक्वेशन, और सेकेंड वाला में इधर एक तो इसका एक्सेलरेशन इधर होगा, तो सेकेंड वाला भी थोड़ा सा चेंज होगा। सेकेंड वाला में क्या चेंज होगा, टी माइनस एफ बराबर कैपिटल एम ए डैश, ये हो जाएगा, ठीक है। अभी यही ए डैश हम लोग को निकालना है। सबका तो वैल्यू पता है, एफ का वैल्यू पता है, टी का वैल्यू, टी बराबर तो क्या होगा, टी बराबर यहाँ से निकाल लेंगे एफ प्लस एम ए डैश। अच्छा, तो देखते हैं इसको लेकर के आते हैं, एफ एफ का वैल्यू ही पुट कर दो डायरेक्ट, पहले इसको उठा ले रहे हैं। एफ के जगह पर फोर म्यू एम जी माइनस ए, एफ का वैल्यू हो गया माइनस टी, और टी बराबर हम लोग निकाल चुके हैं एम ए डैश प्लस एफ, ये वाला ध्यान रखना, भूल जाओगे कौन कहाँ से उठाए हैं, ठीक है ना, नहीं है तो साथ में अगर नोट करोगे तो। अच्छा ठीक है, हम पहले बता ही देते हैं, टी के जगह पर क्या आ रहा है हम लोग का, एम ए डैश प्लस एफ, कैपिटल एम है ना, कैपिटल एम ए डैश। प्लस एफ, ए टी का वैल्यू दे दिए, फिर माइनस एफ करना है, और फाइनली इज इक्वल टू एम ए डैश। तो यहाँ पर हम लोग को एक ठो वेरिएबल दिख रहा है एफ, इस एफ को भी तो हटाना पड़ेगा, तो एफ बराबर म्यू इंटू आर कर देंगे। एफ बराबर हम लोग किए थे ना यहाँ पर म्यू इंटू आर, तो ए वाला पूरा जो है फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू है इतना दूर। फोर म्यू एम जी माइनस ए, क्या बोल रहे हो सर, क्या क्या फिर से? अच्छा सर, नहीं सर, मतलब मैं पूछ रहा था जो वो आपने हाईलाइट किया ना, तो सर सिर्फ म्यू तक होगा ना, टू नहीं आएगा। हाईलाइट की टू म्यू, हाँ टू म्यू तो आ ही रहा है, टू म्यू आर ना, तो सर वन फ्रिक्शन फोर्स का वाला तो आई मीन वो वन ही म्यू एम जी माइनस एम होगा ना। हाँ, ए वाला होगा इतना दूर, वन फ्रिक्शनल फोर्स बॉक्स वाला, लेकिन हालांकि यहाँ पर भी आ जाएगा, देखो ना दो ही आ रहा है, माइनस टू इंटू ए। अब आर का एफ का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, फोर म्यू एम जी माइनस ए, इसको ए डैश को उस तरफ लेके चले जाओ, टू एफ, टू एफ का वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं, टू एफ का वैल्यू देखो यहाँ पर है, टू एफ, टू एफ का वैल्यू ए पूरा ए वाला आ रहा है, टू म्यू एम इंटू जी माइनस ए, सही है ना, इज इक्वल टू एम ए डैश आर प्लस एम ए डैश, क्लियर है। अब यहाँ पर इसको फोर म्यू एम जी और यहाँ पर माइनस टू म्यू एम जी, तो चार में से दो गया था टू म्यू एम जी, और यहाँ पर फिर माइनस फोर एम ए, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, इसको पूरा ही लिख लेते हैं, कंफ्यूजन होगा, माइनस फोर म्यू एम ए, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस टू म्यू एम ए इज इक्वल टू ए डैश कॉमन लेंगे तो एम प्लस एम, टू म्यू एम जी माइनस टू म्यू एम ए
इज इक्वल टू, या फिर बटा कर दो एम प्लस एम, ये हो गया हम लोग का ए डैश का वैल्यू। तो यहाँ से टू म्यू एम कॉमन ले सकते हैं, जी माइनस ए बटा एम प्लस एम, ए हम लोग का फाइनली ए डैश का वैल्यू आया। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है सब क्वेश्चन, जब तक 5 बार 6 बार नहीं करोगे ना बहुत दिक्कत होगा, याद नहीं होगा जल्दी, और एक सब एकदम याद करना ही है, इसके बिना आगे बढ़ नहीं सकोगे।